जय श्री राम, जय दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी। मैं आपके सामने कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन, अपना अनुभव, अपना निरीक्षण जो कथा में आकर के मैंने देखा है, अनुभव किया है, पाया है, उसको एक दो मिनट में आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। इस कथा के माध्यम से आप सबके बीच में तो सही, लेकिन पूरा ग्वालियर राममय हो गया है। और इस कथा के माध्यम से जो वातावरण ग्वालियर में निर्मित हुआ है, उसको देख करके मुझे वो घटना याद आती है जब अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर की स्थापना का भूमि पूजन हुआ था। देश के प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत उपस्थित थे। उस समय के उद्बोधन में देश के प्रधानमंत्री ने इसी तरह के उद्गार व्यक्त किए थे कि पूरे देश के अंदर, सिर्फ देश के अंदर नहीं तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ राम भक्त उपस्थित हैं, सभी आज हर्षित हैं, उल्लासित हैं, और इतने हर्षित और उल्लासित हैं जैसा कि अयोध्या में जब राज्याभिषेक हुआ तब आप हर्षित और उल्लासित थे। दूसरा, कथा के माध्यम से सुश्री दीपिका भारती जी ने राम कथा तो कही है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे संदेश हमको दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। सात सागरों वाली पूरी भूमि के एकमात्र राजा उस समय श्री राम हुए। राम राज्य स्थापित हुआ और वाल्मीकि रामायण ये कहती है श्री राम का राज्य जो है वो 11,000 वर्षों तक चलता रहा। 11,000 वर्षों तक वो राम राज्य कायम रहा कैसे? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा, सर्वे लक्षण संपन्नाः सर्वे धर्म परायणः, क्योंकि उस समय विश्व का एक एक व्यक्ति शुभ लक्षणों से युक्त था, उनके भीतर धर्म का तत्व जागृत था। सज्जनों, ये धर्म ही है, यही वो सूत्र है, यही वो तत्व है जो राम राज्य के केंद्र में है, जिसको हम पिछले 7 दिनों से समझ रहे हैं कि राम क्या है। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। कण कण में रमण करने वाली जो शक्ति है वो हमारे भीतर आत्मा के रूप में यहाँ स्थित है। उनका जब जागरण होता है तो एक व्यक्ति धार्मिक होता है। जिस तरह से आदमी के प्राण होते हैं और प्राण जब निकल जाते हैं तो आदमी सब हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उसी तरह से भारतवर्ष एक देश है, उसका भी एक प्राण होता है। और अगर कोई पूछे कि भारतवर्ष का प्राण क्या है, तो भारतवर्ष का प्राण राम है। जय श्री राम, क्योंकि वो धर्म के अनुयायी है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उसको अपनाने की जरूरत है। हमारा समाज जिसके आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, आने वाले 25 वर्ष जिसको देश के प्रधानमंत्री ने अमृत काल घोषित किया है, इस अमृत काल के अंदर उन्होंने 5 मंत्र दिए हैं। पिछले 15 अगस्त को जब वो लाल किले से भाषण कर रहे थे, उस समय समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 5 मंत्र दिए थे कि जब आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा, शताब्दी मना रहे होंगे 2047 में, तब भारत विकसित होना चाहिए, विकसित भारत चाहिए, श्रेष्ठ भारत चाहिए। ये उनका पहला मंत्र था। और उस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र ये था कि आज भी अपने देश के अंदर इतने वर्ष के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं गई है,
आप भारतवर्ष के हैं, भारतवर्ष का गौरव आपके अंदर दिखना चाहिए और गुलामी की मानसिकता से आपको मुक्ति पानी चाहिए। तीसरी बात वो बहुत महत्वपूर्ण थी और वो थी कि हम अपनी विरासत का स्वाभिमान होना चाहिए। भारत किन बातों के लिए जाना जाता है उसका हमको स्वाभिमान होना चाहिए। और चौथा उनने कहा था कि पूरे भारत को एक होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए। एकजुट होकर के भारत अगर खड़ा हो जाएगा तो पूरे विश्व के अंदर वो अपना संदेश, पुरातन संदेश, सनातन धर्म का संदेश, रामराज्य का संदेश ठीक प्रकार से दे सकेगा। और पांचवा मंत्र ये था कि हमको संविधान के अनुसार चलना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इन पांचों मंत्रों को जब मैं याद करता हूँ तब मुझे इस कथा में बैठ करके स्मरण होता था कि किस तरह से रामराज्य की स्थापना, किस तरह के भारतवर्ष का समाज चाहिए। व्यक्तियों से परिवार बदलते हैं, परिवार से समाज बदलता है, समाज बदलता है तो पूरे विश्व का एक नया परिचित्र होता है। इसलिए राम राज्य पहले हमारे भीतर, जन जन के भीतर स्थापित होगा। जब जन जन के भीतर राम का राज्य हो जाएगा, रावण का अस्तित्व मिट जाएगा, तो पूरी सृष्टि में राम राज्य आ जाएगा। और जो ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग अंत होगा और सतयुग की स्थापना हो जाएगी। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान इस क्षेत्र के अंदर कितना अनूठा कार्य कर रहा है। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज की 10,000 शिष्य और शिष्याएं 350 स्थान पर, भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व के अंदर जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, मानव को ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य के अंदर क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके माध्यम से विश्व शांति जरूर स्थापित होगी। आज पूरे विश्व का मानचित्र अगर हम देखेंगे तो पूरा विश्व हथियारों की, परमाणु बमों की होड़ में लगा हुआ है और पता नहीं कब क्या हो जाएगा। और इसलिए इस मनुष्य को क्रांति करना ये बहुत जरूरी है। अंत में मैं कहूँगा कि देश ने तो आज़ादी के 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है। देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अब तक देश के अंदर जो शिक्षा दी जाती रही है वो पूरी की पूरी शिक्षा मानसिक और गुलामी को लेकर के थी। नई शिक्षा नीति की पुकार हमेशा करते रहे, आयोग बनते रहे, लेकिन वो नई शिक्षा नीति सरकार के द्वारा 2020 में आई है। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान मंथन के माध्यम से पूरे देश के अंदर बच्चों को संस्कार दे रही है, उनको वो शिक्षा दे रही है जिस शिक्षा से राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र प्रगति करेगा और राम राज्य की स्थापना जरूर होगी।